हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोगों को, आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं आई हुई हूँ दीघाट शूट में रोहित भैया के इधर, आते रहती हूँ मैं। आप लोगों को पता होगी ये जगह हिमुली गाना जो है वो इधर को एक घर है, शूट हुआ था। अभी हम लोग उधर शूट करने जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इधर भैया के इधर पूजा थी तो कुछ लोग आए हुए हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं वो, और अभी शूट के लिए रेडी हो गए हैं। भैया की ज़रा तबीयत ख़राब थी तो भैया ज़रा दीघाट मार्केट तक गए हुए हैं कुछ काम से। उसके बाद हम लोग शूट करेंगे स्टार्ट, और बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मैं आप लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। हीरो तुषार जी, दिखा कैमरे में कितना बढ़िया लग रहा है तुम्हारा फेस। हाय हाय, ये है हमारी प्यारी दादी जी। दादी क्या कर रहे हो? अरे सब्जी बीन रही हूँ। दादी सब लोगों को हेलो बोल दो। हेलो। सब लोग दादी को बहुत याद करते हैं, हिमुली वाली दादी, सब लोग बहुत याद करते हैं दादी को। कद्दू के लागू लेना, ये कद्दू के टुके की सब्जी बनती है तो दादी उसी की तैयारी कर रही है। और ये है भावना दादी, इनका नाम भावना है तो इनसे मेरी पहचान हो गई, भावना दादी। ये है रोहित भैया के मामा जी, ये रोहित भैया के मामा जी है। मामा जी हाय हाय बोलो। हाय हाय, मैं अभी गिलोई का एक टुकड़ा काटने जा रही हूँ। गिलोई गिलोई है छत में। गिलोई क्या हुआ? गिलोई दुआ होती गिलोई। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मैं भी देखूंगी। ये हमारे डीओपी साहब है, कैमरा सेट कर रहे। हाय डीओपी सर, कैसे हो? अब ये तो वो लोग बताएंगे कैमरे के अंदर जो देख रहे हैं कैसे हैं। कमेंट में कैसे हो बता देना। अब देख के आती हूँ मैं गिलोई क्या होती है। हाँ चलो, एक नई चीज दवा है, गिलोई देखने जा रही हूँ मैं। हाय, ये है रोहित भैया की मम्मी, रोहित भैया की बुआ। बस रोहित भैया ही नहीं है यहाँ अभी, बाकी साइड हटो, पीछे भी बैठे हैं एक दो लोग यार। हाय, सब बिजी हैं फोन पे। चलो गिलोई देख के आते हैं। वो काट रही टहनी, क्यों काट रहे हो? लगाने के लिए? हाँ, इसकी दवा भी जाएगी। हाँ लगाएंगे। नहीं नहीं ऐसे, अरे जो ये है किस काम आती है ये दवाई? ये दवा सब चीज की, बुखार की, गैस की। क्या करते हैं इसको? खाते हैं। हाँ इसको कूट के। अरे पतंजलि का गिलोई देखा है? खाते ना, मैंने देखा ना, तभी तो रामदेव वाला ही है ये, पतंजलि वाला ही। जब बहुत ही कोविड आया तो सब लोगों ने वही पिया, कोविड में यही काम करा। ये नेचुरल है, वो केमिकल मिला रहता है। हाँ लोग लेते हैं ना पैकेट, वो नहीं है, ये तो असली है। ये लगता है इसको लगाने लग जाता है। अच्छा इसका वो पीते हैं, कड़वा कड़वा होता है। ये है गिलोई, जूस बना के पीते हैं, जूस पीते हैं इसका। और ये पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच में मुझे 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 नहीं पता था, लेकिन सच में गिलोई का ये चेहरे का सुना होगा। वैसे गिलोई निखार के लिए सबसे बेस्ट होता है, सुबह खाली पेट अगर इसको इसका जूस पीते हैं। इसकी टहनी मैं भी ले जाऊंगी, ये फिर वहाँ मिट्टी में जैसे वो लगाते हैं क्या? नहीं होता है ना, गुलाब का फूल डालते पीस। अच्छा वैसे करते हैं, कलम लग जाती है। मिट्टी में भी मत लगाना, वैसे ही क्लिप लिपटा दो अपने आप निपट जाता है, ऐसी चीज है। ठीक हो गया, मिट्टी में ही लगाना जरूरी नहीं है इसको। वो हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद है गिलोई, ले जाऊंगी मैं भी। ओहो कैसे हो? यहाँ के लोग तो मेरे को सब ऐसे जानते, पूरी फैमिली जैसे आते रहती हूँ ना मैं इधर। आप ठीक हो? यहाँ भी शूट हुआ है हिमुली गाना का, जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग जिसमें वो चाबी घुमाता है अंकित, यहीं पे का शॉट है वो। राजेश खन्ना? हाँ वो राजेश खन्ना स्टाइल है मेरे बालों के। ऐसा लड़के करते हैं आजकल के, पता है आपको? कैसे वो खड़े रखते हैं पुर को? आप सोच रहे हो कि अच्छे लग रहे ना, ऐसे रखते हैं। आम जोरल बुलाटो ना, आम है बुलाओ, तुम बुलाओ आम आओ को, मैं मेरी पहचान छ बल ना हो रही। सॉरी सॉरी, नेक्स्ट पहचान सा पहचानो भली के पहचानो, हम खेन छू खेन। लो आप तुम्हारी हो गई बेइज्जती, कोई नहीं नहीं कह दो बल। सब आ रहे हैं, सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं अपने घर भंडारी बाकली से। एक्टर जी आ चुके हैं हमारे, एक्टर है ये हग बैग। इनका पेट जरा लेट साफ हुआ, देख सकते हैं। आज हमारे मेहमान सारे जा चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? कोई सोर्स लगाओ यार, ये लाइट का कोई सोर्स लगाओ यार, लाइट नहीं आ रही है। अरे यार वो तो निर्मला मिल ही नहीं रही है यार, इतने दिन हो गए निर्मला को ढूंढते ढूंढते। मैं कितने दिन से बोल रहा था कि नैनीताल आ जाओ, वो आ ही नहीं रही है यार। ये निर्मला गाइज, रोहित भैया ये ब्लॉगर, देखो एक ब्लॉगर और आ गए। अभी सब देखे हमने, रोहित भैया के चाचा, तारित भैया के दादा दादी सब, ये है रोहित भैया।
तो अभी हम जा रहे हैं शूट के लिए, यह है तप्पर। बाकी सांस भूल रही है तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग खड़ी चढ़ाई पे आए हैं ऊपर को। सामने से चल रहे हैं मेरे गाइड निक्कू जी। भली को एंटर करा दे, इंस्टाग्राम में कैप्शन डाल दे, बताऊं मैं क्या थी तेरी आईडी निक्कू, निक्कू फ्रॉम यूके को फटाफट फॉलो कर दे, सभी चले हैं वो मैं क्यों चल नहीं कर सकते, फॉलो चेलिया ही कर सकती है बस। सब लड़कियां फॉलो कर देना, बल कोई मत करना निकू को फॉलो। वो भी धरी हुआ था। तो ये है गांव, कौन सा गांव है रोहित भैया? ये खुली है अभी नीचे। और ये हमारे साथ ब्लॉगर जी चल रहे हैं एक नए, मिस्टर भंडारी ब्लॉग, मिस्टर भंडारी ब्लॉग, इनके ब्लॉग बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और रोहित भैया ने एक चीज और बताई कि ये जो है घर में रहकर के यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। फैमिली आपकी बाहर रहती है ना? हाँ जी, फैमिली इनकी बाहर रहती है और अकेले रहते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और ऐसे ही रोजगार निकाला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं हम, पहाड़ के जो नए लोग हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सब बाहर जाएं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर सकते हो आप पहाड़ में रह करके भी जो आपका इनकम का सोर्स हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी। बाकी आप इनके चैनल पे देख सकते हैं मिस्टर भंडारी ब्लॉग्स ना, मिस्टर भंडारी ब्लॉग्स। टाइफाइड है मेरे को गाइस, देखा कल मैं आई तो रोहित भैया का टाइफाइड भी एकदम ठीक हो गया। देखा भाई बहन में कितना प्रेम है, रोहित भैया का बुखार ठीक हो गया। रोहित भैया कल आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ना ढंग से। अभी ये लोग जा रहे हैं गाड़ी में और मैं जा रही हूँ बाइक में भंडारी व्लॉग्स के साथ, मिस्टर भंडारी व्लॉग्स के साथ। इसके बिना ट्राइपॉड के बिना लिया, धूप अच्छी है, धूप खतरनाक है, हवा में जाएंगे मस्त। चल रहे हैं अब, ऐसे आने का मन हो रहा था मेरा बिल्कुल ऐसे हवा में खुले खुले, क्योंकि बहुत धूप में पक करके आ गई हूँ मैं। सही है बिल्कुल, बस आज हम तो काफी खुश हो गए हमारे साथ आ गए हीरोइन ये भी ठीक है। तो हमारे आगे कुछ चल रहे हैं हमारे साथ के, धूल उड़ाते हुए बहुत जल्दी, ये देखो पता नहीं ये डांस कर रहे हैं या वे चिढ़ा रहे हैं। पहुंच चुके हैं वापस हम अपनी भंडारी बाकी, ऐसे किस किस ने कोरा है खीरा जरूर बताना। पिछले बार मैंने भी ट्राई करा था लेकिन खुशी होती है अगर किसी का अच्छा लगे ना तो अच्छा होता है, कोई बच्चे प्रोग्रेस कर रहे बढ़िया बस चल रहा। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही थी कि किसी की इनकम नहीं बतानी चाहिए घर पे, अब तुम बताना चाहते हो तो बताओ। उसने बताया मैंने, उसने बोला ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा लगता है, उसने थोड़ा बोला कि मुझे 6-8 हज़ार बता थोड़ा। कहाँ के हो तुम ऐसे? बताओ कहाँ का माइक्रो सुन मैं अलमोड़िया चाल अल्मोड़िया चाल कहते ना, अल्मोड़िया चाल, अल्मोड़िया चाल मुझसे भी ऐसी कहती है। मासू के तो है भंडारी, अच्छा हमें इतने अलग है, हमें यहाँ पर भंडारी के अलावा इतने भंडारी के अलावा कोई और नहीं है। दादाजी लोग हमारी मतलब आए ना, दूध दही भरी वही खेती ये सब कुछ देखते। तो फिर उन्होंने बंदर खोदना शुरू कर दिया, फिर यहीं पर मकान बना दिया। अच्छा, आज हम ये मतलब आपने सिर पे दूध दही घी दिया और वो पैसे नहीं जमीन आपकी तो, और वो कांग्रेजी कार्रवाई पिछले जमाने में कांग्रेजी कार्रवाई नाम जमीन हो गई ना तो अंग्रेजों का सरेंडर था तो कर देते थे पहले, तुमने नहीं था जमीन का तो वो उसको ले करके फिर बोलते थे मेरे घर भेज देना आप इसको, समझ गए? तो इस तरह से रहे, ये थी यहाँ की। तो ये तो हमने अपने आंखों से देखा। उस टाइम आपकी उम्र क्या रही होगी? उम्र क्या, ये अभी तो हुआ तुम्हारा उम्र क्या, अभी तो 26 साल का हूं। नहीं ये मतलब ये बंद अभी पता कब हुआ? 1971 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। सुनो उनने रजवाड़े वो राजाओं को फिर भी पैसे देते थे, ठीक है इनकम तुम लोगों के ब्लॉग पे आ गए, उन्होंने पहले फिर मतलब हमको भूमि तक। आज हम फिर से इस घर पे आए हैं, इस घर से सब वाकिफ होंगे क्योंकि इस घर में इमली गाने की शूटिंग हुई है और बहुत और भी बहुत सारे गाने हैं जो इस घर में शूट हुए हैं, जो वो अंकित चाबी का छल्ला घुमाता है ना, यही दिली है वो।
बाकी एक दो और है शॉर्ट में घर में शूट हुए हैं। बाकी ये है रोहित भैया का घर, ये आंटी जी हैं, बहुत अच्छी हैं। है चाय बनाने आ रहे हो ना? हाँ आ गई है चाय, उबाल आ गई है इसमें, ये है उबाल आ गई है ना, तो ये उबाल आने के बाद नहीं इतनी नई नवेली नहीं रहती है। जो तुम्हें कापट की तुल सुने जगह तुम खेते तैयार हर से वो की तुल दिखे दियो। फाइनली गाइस आज के शूट का पैकअप हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं वापस हाथ में धोने के लिए, क्योंकि बहुत कालू 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 से हो गए हैं। इधर के चले पूजा, हम जा रहे हैं पर घर को। बाय बाय बाय। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इनसे ज़रा रील बनवाई। हाथ पैर ऐसे काले हो गए ना, हाथ में धोते हैं फ्रेश होते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है चल करके। व्लॉगर साहब दुविधा में क्यों हैं? व्लॉगर साहब दुविधा में क्यों हैं? नहीं अपलोड ही नहीं हो रहा या नेट ही नहीं चल रहा है आज का तुम्हारा अपलोड में व्लॉग मिस हो गया। अब 8 बजे आने वाला है शायद आज का। कितना परसेंट हो गया? 78। यहाँ नहीं आता ना नेटवर्क, ऊपर फिर भी आ रहे थे ना, मैंने बोला था ना ऊपर हुए होंगे ना थोड़े, बाहर फिर भी आ जाते हैं। हमारा भी पैकअप हो गया, वो लोग तो सब होंगे नहीं, यहाँ सब गायब ही होंगे मुझे पता है। तुषार कैसा रहा आज का शूट? गाइस देखो बाकी सब तो ठीक है, मैं काला आपको दिख रहा हूँ लेकिन मैं सच में इतना काला नहीं हूँ। रिसेंटली मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा रेगुलर शूट्स पे चल रहा हूँ ना, तो उस वजह से मेरी ये टैन हो गया बहुत ज़्यादा। बाकी मैं आपको अपना ना असली रंग दिखाता हूँ, रुको। हाँ ये देखो मेरा असली रंग, असली रंग इसकी घड़ी के पीछे है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये है तुषार का असली रंग। अब बाकी ये चेहरा अगले शूट में कभी होगा तो पता चल जाएगा। वैसे बाकी ठीक है यार, बाकी खाना बहुत प्यारा है, बहुत जल्दी आएगा। दोस्तों शाम हो चुकी है, देखो हमारे रसियार जी चटनी पीस रहे हैं और ये यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं। चेहरा नहीं दिखाना चाहूंगा इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं यार। इसके पहले वाले शॉट में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसा ले रखा ना, मैंने जूम काला काला कल सुबह देखना, अब मैं क्रीम ले आया।